गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने सरकार पर आरक्षण समझौते पर वादा खिलाफी कर अमल नहीं करने का आरोप लगाया है। कर्नल बैंसला ने मलारना डूंगर स्टेशन पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए आरोप लगाए। कर्नल ने कहा कि मलारना आंदोलन स्थल पर हुए समझौते पर सरकार अमल नहीं कर रही है। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी और कहा कि सरकार 15 दिन में गुर्जर समाज की मांगों पर विचार करे। कर्नल बैंसला के साथ उनके पुत्र विजय बैंसला, भूरा भगत, जगदीश मलारना सहित कई गुर्जर नेता मौजूद रहे। दस फरवरी को सरकार के साथ समझौता हुआ था, 16 फरवरी को जो हमारा समझौता हुआ था, उस समझौते के बारे में सरकार क्या कर रही है हमको कुछ पता नहीं। हमें जानना चाहते हैं कि सरकार क्या कर रही है और जो उन्होंने हमारे साथ में समझौता किया है उसकी या तो सरकार अगले 15 दिन में पूर्ति करे, नहीं तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हम आंदोलन करेंगे। 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है, 15 दिन का अल्टीमेटम दिया हुआ है हमने। तो सरकार क्या कर रही है इसके बारे में उसका हमें अभी तक कुछ पता नहीं। हम ये जानना चाहते हैं सरकार से कि सरकार समझौते के ऊपर क्या कर रही है, इतना तो हमारा अधिकार है। यदि नहीं कर रही है समझौते के अनुसार तो हम चुप थोड़े बैठेंगे, हमारा अधिकार है वो हम लेके रहेंगे। और जब सरकार ने यश के बात मान ली उस वक्त इन प्रतिकूल से दाम देखने से तो उसको कार्य रूप में परिणित करो।